हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन। कल हम बताए थे, 2 तक बता दिए थे और आज तीसरा बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसमें बल्ला और गेंद का कीमत निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, आपका जो क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल्ला और गेंद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि बल्ले की कीमत बराबर एक्स रुपया, यानी हम बल्ला की कीमत मान लिए कितना, एक्स रुपया, तथा गेंद की कीमत बराबर वाई रुपया। अब आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो हम मानने वाला काम कर लिए। अब लिखते हैं प्रश्न से कितने बल्ले कह रहे हैं, 7 बल्ले 6 गेंदे जो कितने हैं, 3800 रुपये में देते हैं। तो एक बल्ले की कीमत एक्स रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7x प्लस, फिर कह रहे एक गेंद की कीमत कितना, वाई रुपया, तो 6 गेंदे की कीमत 6y, ये दोनों का कीमत जोड़ करके कितना रुपया दे रहे हैं, 3800 रुपये दे रहे हैं। तो 3800 इसको मान लेंगे समीकरण एक। पुनः आइए दोबारा, पुनः प्रश्न से उसके बाद कह रहे हैं, बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन उसके बाद है, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। 3 को बल्ले हैं, तो एक बल्ले का कीमत एक्स रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत 3x प्लस, उसके बाद कितने हैं, 5 बल्ले 5 गेंदे हैं, तो एक गेंद की कीमत वाई रुपया, तो 5 गेंद की कीमत 5y रुपया, टोटल कितना हो जा रहा है, 1750, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, हमको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, तो समीकरण 2 से चलते हैं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन में 2 से प्रश्न 2 से चलते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, तो हम x निकालेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y और बट्टा में 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, इस एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। देखिए समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब हम x के जगह रख देंगे, ये 7 × 1750 माइनस 5y बट्टा 3 और फिर प्लस 6y बराबर 3800। अब इसको हल करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे 0, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 49 और 3 × 49 = 52 के 2 बचा 1, 7 + 7 बचा 5, 7 + 7 और 5 = 12, यानी 12250 माइनस 7 × 5 = 35 वाई बट्टा 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए, अब इसको बट्टा 1 कर देते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस, 1 से भाग देंगे 3, 3 से गुना करेंगे 18y बराबर 3800। अब हमको क्या करना है, अब इसको बट्टा 1 करते हैं और क्रॉस गुना करेंगे, इससे 1 में गुना करेंगे, चाहे एक काम करते हैं, पहले 12250 ये प्लस में 35y, ये माइनस में 35y और ये प्लस में 18y है, तो क्या होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 2 में से 1 गया 1, माइनस है तो माइनस 17y बट्टा 3 बराबर 3800 बट्टा 1। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 12250 माइनस 17y बराबर, 3 से गुना करेंगे
जीरो जीरो आठ तीन चौबीस के चार बचा दो, तीन तीन नौ दो ग्यारह, यानी 11400। अब इस क्या करते हैं हम, इसमें y का मान निकालते हैं। तो हम y का मान निकालते हैं तो ये रख लेते हैं माइनस 17y बराबर 11400, और ये जाएगा उधर तो माइनस में 12250। ये हो जाएगा माइनस 17y बराबर, इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा आपका कितना माइनस 850। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 850। अब हम y निकालना है तो y निकालेंगे तो माइनस 850 और बट्टा में आ जाएगा माइनस 17, माइनस से माइनस कट गया, 17 से 17 पचे 85, इसलिए y बराबर हमारा आ गया कितना 50। अब हमारा y का मान आ गया, अब हम इस y का मान क्या करेंगे समीकरण तीन में रख देंगे। तो y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन में रखेंगे, समीकरण तीन हमारा है x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5 और y का मान है 50, तो 50 बटा 3, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 250 बटा 3, तो हो जाएगा x बराबर 1750 में से 250 घट जाएगा तो 1500 और बट्टा 3, 3 से भाग देंगे 3 पचे 15 यानी 500, यानी इसलिए x का मान आ गया कितना 500। अब लास्ट में लिख देंगे अतः बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया तथा गेंद की कीमत बराबर 50 रुपया। यह हमारा हो गया। अब इसका आगे है, आगे देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना भाड़ा देना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स चलिए इसको देखते हैं। ये मैं कह रहा है एक नगर है, एक नगर के टैक्सी में भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी जैसे ही टैक्सी में बैठा जाता है उसका क्या होता है, उसका जो नियत भाड़ा है लग जाता है, और जैसे जैसे वह दूरी तय करता है गाड़ी, उस तरह क्या होता है उसका अतिरिक्त जो भाड़ा है उसका भाड़ा क्या है, एक एक किलोमीटर पर यानी प्रति किलोमीटर पर क्या है वह भाड़ा लगते जाता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा कितना, नियत भाड़ा कह रहा है, तो माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, नियत भाड़ा को मान लिया x रुपया। उसके बाद कह रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो उसको भी मान लेते हैं कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया, यानी नियत भाड़ा हमारा x रुपया हो गया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया हो गया। अब आपका प्रश्न से देखिए, प्रश्न से कह रहा है कि जैसे ही वह व्यक्ति गाड़ी में चढ़ता है तो उसको कितना x रुपया लग जाता है, x रुपया लग जाता है। उसके बाद कहता है कि वह 10 किलोमीटर की दूरी क्या है सफ़र तय करता है, यानी 10 किलोमीटर की, यानी अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तो जैसे ही गाड़ी पर वह बैठता है तो उसको x रुपया लग जाता है। 10 किलोमीटर के लिए चलेगा यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y, कितना रुपया उसको लगता है चलता है, तो उसको चलने में पैसा जो लगता है उसका 105 रुपया भाड़ा है, यानी 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण एक। पुनः आइए, पुनः प्रश्न से आपका देखिए दूसरा क्या कह रहा है। पुनः कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए आपका अतिरिक्त वाला तो आपका लगेगा ही, अतिरिक्त वाला तो क्या हो जाएगा x प्लस, ये तो चढ़ते लग जा रहा है, और 15 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y कितना लगता है 155, तो 155 समीकरण दो। और हम इसको क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, तो समीकरण दो से चलिए, समीकरण दो से, समीकरण दो हमारा है x प्लस
15y बराबर 155, तो x निकालेंगे तो 155 माइनस 15y, ये हमारा x का आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब हम इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x प्लस 10y बराबर 105, तो हो जाएगा x का जगह कितना रखना है हमको, 155 माइनस 15y, पहले से है प्लस 10y बराबर 105। अब देखिए 15y में से ये घट जाएगा तो माइनस 5y बराबर 105, और ये जाएगा तो उधर माइनस 155, तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50, 155 में से 105 घटेगा तो माइनस 50, तो हम y निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 50 बट्टा में माइनस 5, ये माइनस माइनस कट गया, 5 दहा 50, इसलिए y बराबर हमारा कितना आ गया 10। अब y का मान आ गया, तो इस y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 155 माइनस 15y, तो x बराबर 155 माइनस 15 गुने 10 y का रख दिए, तो x का क्या आ गया 155 माइनस 15 दहा के 150, इसलिए x बराबर कितना आ गया 155 में से 150 घटेगा तो 5। अब हमारा ये x का आ गया, y का आ गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा दूर करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो हमको 25 किलोमीटर की यात्रा का दूरी निकालना है भाड़ा। तो देखिए तो 25 किलोमीटर का निकालना है, तो 25 किलोमीटर के लिए लिख देते हैं के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर की, वो तो गाड़ी में चढ़ेगा तो उसको 100 रुपया देना ही है, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। अब यहाँ पे मान डाल देंगे, x का मान आया है 5 प्लस 25 गुने y का मान आया है 10, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 250, जोड़ेंगे तो 255 रुपया, यानी 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा भाड़ा, तो 255 रुपया देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भिन्न वाला है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एकदम हल्का प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये आपका हर साल लगभग एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में, अथवा में देता है पूछता है, लगभग पूछ देता है। तो चलिए हमको भिन्न निकालना है, तो भिन्न में आप जानते हैं कि उसमें अंश भी होता है और हर भी होता है, तो हम मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x हर बराबर y। अब हम जब मान लिए अंश बराबर x हर बराबर y, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि भिन्न जो होता है क्या होता है, अंश बटा हर, यानी अंश का x है तो x और हर का y है तो y। अब आइए प्रश्न से, अब आपका प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न है क्या, x बटा वाई। अच्छा, इसमें कह रहा है कि अंश में भी और हर में दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है, तो अंश में जोड़ने के लिए कह रहा है तो अंश में 2 जोड़ दिए, हर में कह रहा है तो हर में भी 2 जोड़ दिए, और ये जोड़ने के बाद जो हमारा भिन्न हो जाता है कितना, 9/11 हो जाता है। तो हो गया, अंश में बोला तो अंश में जोड़ दिए, हर में बोला तो हर में जोड़ दिए, जिसमें बोलेगा उसमें जोड़ देना है, जोड़ने के बाद हमारा कितना होता है भिन्न, 9/11 हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दुना 22 बराबर 9 से करेंगे तो 9y बराबर 9 दुना 18। अब हम क्या करते हैं, 11x और इधर से ले आएंगे तो माइनस 9y बराबर 18, इधर से जाएगा तो माइनस 22, तो ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा तो माइनस 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः क्या कह रहा है आपका प्रश्न से, पुनः और देखिए फिर कह रहा है, फिर कह रहा है क
कि यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वह पाँच बटा छ हो जाता है। तो अंश और हर दोनों में, तो भिन्न हमारा है क्या, एक्स बटा वाई, तो एक्स बटा वाई। अंश में भी बोल रहा है, हर में भी बोल रहा है, कितना जोड़ने के लिए, तीन, दोनों में बोल रहा है तीन जोड़ने के लिए, तो ये तीन जोड़ने के बाद कितना जाता है, पाँच बटा छ हो जाता है। तो पाँच बटा छ हो गया। अब इसको भी क्रॉस गुना करते हैं, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, छ एक्स प्लस छ तरीका अठारह बराबर, इससे करेंगे तो पाँच वाई बराबर पाँच तिहाई पंद्रह। अब देखिए छ एक्स इधर से आएगा तो माइनस पाँच वाई बराबर पंद्रह, और इधर से जाएगा तो माइनस अठारह, तो छ एक्स माइनस पाँच वाई बराबर हो गया, ये घटेगा तो माइनस तीन, ये हो गया समीकरण दो। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो समीकरण दो से चलेंगे, दो से समीकरण दो है हमारा x, छ एक्स माइनस पाँच वाई बराबर माइनस तीन, तो हम यहाँ से निकालते हैं x का मान, तो छ एक्स बराबर हो जाएगा तीन माइनस तीन, और ये जाएगा तो उधर प्लस पाँच वाई, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तीन प्लस पाँच वाई बट्टा छ, इसको मान लेंगे समीकरण तीन। अब हम इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में डालेंगे, x का मान समीकरण वन में रखने पर, समीकरण एक में रखिए, समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण एक है ग्यारह एक्स माइनस नौ वाई बराबर माइनस चार, तो ग्यारह और x का मान कितना है, माइनस थ्री प्लस पाँच वाई बट्टा छ माइनस नौ वाई बराबर माइनस चार। तो अब इसको गुना करेंगे तो ग्यारह तिहाई तैंतीस माइनस में प्लस ग्यारह पचे पचपन वाई बट्टा छ माइनस नौ वाई बट्टा एक कर देते हैं बराबर माइनस चार। अब क्या हो जाएगा, माइनस तैंतीस, इसका एलसीएम ले लेते हैं, छ एलसीएम हो जाएगा, छ एकम छ तो माइनस तैंतीस प्लस पचपन वाई माइनस एक से भाग देंगे तो छ मरतबे छ से गुना करेंगे नौ छः चौवन वाई बराबर माइनस चार। अब देखिए तो माइनस तैंतीस पचपन वाई में से चौवन वाई घट जाएगा तो वाई बट्टा छ बराबर माइनस चार बट्टा एक। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इससे करेंगे एक में गुना तो माइनस तैंतीस प्लस वाई, और इसको गुना करेंगे तो छः चौका माइनस चौबीस, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस चौबीस, और ये जाएगा तो प्लस तैंतीस, इसलिए वाई बराबर कितना आ जाएगा नौ, वाई का मान आ गया। अब वाई का मान क्या करेंगे, समीकरण तीन में रख देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, तो वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन हमारा क्या है, एक्स बराबर माइनस थ्री प्लस पाँच वाई बट्टा छ, समीकरण तीन है एक्स बराबर माइनस थ्री प्लस पाँच वाई बट्टा छ, तो एक्स बराबर माइनस थ्री प्लस पाँच गुने वाई का मान है नौ, तो नौ और बट्टा छ, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस थ्री प्लस नौ पचे पैंतालीस बट्टा छ, इसलिए एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये घटेगा तो बयालीस बट्टा छ, तो छः से कटेगा छः से बयालीस, इसलिए एक्स बराबर आ जाएगा सात, एक्स का मान आ गया सात। अब हम क्या करेंगे, हमको भिन्न निकालना है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा एक्स बट्टा वाई, तो एक्स का मान है सात और वाई का मान है नौ, तो नौ हो गया, यही हमारा भिन्न हो गया। अगला है, पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु निकालना है तो हम मान लेंगे, माना कि जैकब की आयु एक्स वर्ष, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, जैक हो गया, तो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब की पुत्र है तो हो जाएगा वाई वर्ष। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न से कह रहा है पाँच वर्ष बाद, पाँच वर्ष बाद कहेगा तो पाँच वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर हो जाएगा एक्स प्लस पाँच, वर्तमान है एक्स, तो पाँच वर्ष बाद कहेगा तो पाँच जोड़ दिए तो क्या हो गया एक्स प्लस पाँच वर्ष। पुत्र की क्या हो जाएगा, जैकब की हो गया, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु वाई, तो पाँच वर्ष बाद जाएगा तो पाँच एक्स वाई प्लस पाँच वर्ष। अब आपका क्या कह रहा है,
अब कह रहा है कि जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी है, तीन गुनी है, तो तीन से गुना कर दिए। अब x प्लस पाँच बराबर तीन से गुना करेंगे थ्री वाई, और ये हो जाएगा पाँच तिहाई पंद्रह। तो x इधर से ले जाएंगे तो माइनस थ्री वाई, और ये पंद्रह उधर जाएगा तो माइनस पाँच, तो हो जाएगा x माइनस थ्री वाई बराबर पंद्रह में से पाँच गया दस। ये आपका हो गया समीकरण एक। पुनः आइए दोबारा पुनः प्रश्न से आपका कह रहा है कि पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी। तो इसमें कह रहा है पाँच वर्ष पूर्व, तो पूर्व कहेगा मतलब क्या, पहले। तो पाँच वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा जैकब की आयु, पाँच वर्ष पूर्व, तो पाँच वर्ष पूर्व हो जाएगी जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना अभी है एक्स, तो पाँच वर्ष पूर्व एक्स माइनस पाँच वर्ष। उसी तरह पुत्र की क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा जैकब की वायु, पुत्र की जैकब की आयु हो गया, और पुत्र की आयु होगा क्या वाई माइनस पाँच वर्ष। तो ये हो गया हमारा पुत्र का, तो क्या हो गया पुत्र की आयु हो गया वाई माइनस पाँच वर्ष। अब कह रहा है कि ये जो जैकब की आयु है, जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, सात गुनी है, यानी पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की सात गुनी है। तो सात की गुना कर दिए, अब इसको सोल्व कीजिए तो x माइनस पाँच ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो सात वाई माइनस सात पचे पैंतीस। तो अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे x माइनस ये आएगा तो इधर माइनस सात वाई ये माइनस पैंतीस, और ये जाएगा तो प्लस पाँच, तो हो जाएगा x माइनस सात वाई बराबर माइनस तीस। ये हो गया समीकरण दो। अब समीकरण दो से चलते हैं, समीकरण दो है हमारा x माइनस सात वाई बराबर माइनस तीस। तो हम x का निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस तीस, और ये इधर जाएगा तो प्लस सात वाई। ये हो गया समीकरण तीन। अभी हम x का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक जो हमारा है क्या है x माइनस थ्री वाई बराबर दस, ये समीकरण एक है। हम x का मान निकाले कितना है माइनस तीस प्लस सात वाई माइनस थ्री वाई बराबर दस, तो हो गया माइनस तीस ये घटेगा तो प्लस चार वाई बराबर दस, तो हो गया चार वाई बराबर दस, और ये जाएगा तो उधर प्लस तीस। तो y निकालेंगे क्या होगा, ये जोड़ेंगे तो चालीस, और बट्टा में आ जाएगा चार, तो चार नहा के चालीस, इसलिए y बराबर कितना आ गया दस। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण तीन में रख देते हैं, तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन जो है हमारा x बराबर कितना है माइनस तीस प्लस सात वाई, तो x बराबर हो गया माइनस तीस प्लस सात गुने y का मान है दस, तो x बराबर हो जाएगा माइनस तीस सात तहाँ के सत्तर, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा सत्तर में से तीस घटेगा चालीस, यानी हमारा जो है y जो है क्या है पुत्र की आयु है, और जो x जो है क्या है जैकब की आयु, तो लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 3.3 खत्म हो गया। अब इसके आगे जो है आगे बताएंगे।